नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। पूरी दुनिया में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है और संक्रमितों की संख्या अब दिन पर दिन बढ़ती जा रही। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के सबसे ज्यादा 34,956 नए मामले सामने आए और 687 लोगों की मौत हुई। देश में कुल संक्रमितों की संख्या अब 10,03,832 हो गई। इनमें 3,42,473 एक्टिव केसेस हैं, तो वहीं 6,35,757 लोग ठीक हो चुके। 25,602 लोगों ने अब तक जान गंवाई। कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे प्रभावित देश है। अमेरिका, ब्राजील के बाद कोरोना महामारी से सबसे प्रभावित भारत ही। आंकड़ों के मुताबिक देश में इस वक्त 3,42,473 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में। 99,000 से ज्यादा संक्रमितों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पर दिल्ली, चौथे नंबर पर गुजरात और पांचवें नंबर पर पश्चिम बंगाल। इन पांच राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। एक्टिव केसेस के मामले में दुनिया में भारत का चौथा स्थान है। अमेरिका अभी भी कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यहाँ अब तक 36.93 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,41,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी। तो आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है और क्या हाल है भारत का। हम एक बार फिर आपको सावधान रहने की ताकीद करते हैं। मास्क लगाएं, जरूरत हो तभी बाहर निकलें, और बाहर से आए तो अपने हाथों को सावधानी से धोएं, और अगर कुछ लक्षण दिखे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और लापरवाही ना बरतें, नहीं तो ये जानलेवा साबित हो सकता है।